रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तुहाड़ा ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक हम सबको हंसता वस्ता रखे जी अपने अपने घरों में। अच्छा, हमारा मेरा जो है ये अभी है नाश्ते का टाइम। नाश्ते में मैंने आज मंगाई थी हलवा पूरी और हम खा रहे थे हलवा पूरी। मैंने काफ़ी दिनों से नहीं मंगाया था, आज मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो फिर उनकी फरमाइश पे उन्होंने भी कहा कि चलो बाहर से हलवा पूरी ले लेते हैं, और हमने किया आज हलवा पूरी से नाश्ता। और उसके बाद चले गए हम बाहर, और हमें आज था बहुत ज़रूरी काम क्योंकि अच्छा अभी जो है एक बड़ा काम था जो मैंने करना था, वो है मैंने लेना था अपने बेड का मैट्रेस। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे बेड का मैट्रेस जो है वो छोटा था, क्योंकि इसी पिछला वाला बेड जो था वो छोटा था तो मैट्रेस भी छोटा ही होगा, लाजमी बात है। तो बेड तो मैंने बेच दिया था लेकिन मैट्रेस था वो मेरा, क्योंकि मैट्रेस मैंने काफ़ी दिनों बाद, उसके पहले वाला मैट्रेस वो आम वाले थे वो मैंने बेच दिया था। फिर मैंने लिया था स्प्रिंग मैट्रेस, और स्प्रिंग मैट्रेस अभी मेरे पास रखा था, मैंने इसलिए रखा था शायद मेरा ये नए वाले बेड पे पूरा आ जाए तो चलो मैं इसको इसी को मैं इस्तेमाल में कर लूँगी। लेकिन वो मैट्रेस छोटा पड़ गया और बेड थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइडें उसकी निकली हुई थी, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा पहले वाली वीडियोस में। और अक्सर मुझे कमेंट्स आए थे कि आप जो है इस अपने बेड का कवर उतार दें, आप मैट्रेस न्यू ले लें। मुझे पता था कि मैंने लेना है क्योंकि ये तकरीबन जो है इसका बेड की कॉस्ट थी ज़्यादा, तो उस टाइम मैं नहीं ले पा रही थी अपना मैट्रेस साथ में, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में ले लूँगी। अभी मैं गई हूँ शॉप पे और इस वाले एरिए में सारी शॉप्स ये मैट्रेस की हैं, एक दो और गई हूँ शॉप में लेकिन मुझे कोई मैट्रेस अच्छा नहीं लगा, तो क्योंकि वो एक तो प्राइस कम थे सारी बातें, फिर क्वालिटी भी नहीं थी, और मैं चाह रही थी कि मल्टी फोम वालों का या सुप्रीम वालों का ये अच्छे हैं, दोनों ब्रांड्स हैं, तो इस वजह से मैं इनका लेना चाह रही थी। अभी इस शॉप में आई हूँ तो मुझे इनके सारे मैट्रेस ही अच्छे लग रहे थे। मैंने स्प्रिंग मैट्रेस नहीं लेना था क्योंकि मेरा पहले वाला है स्प्रिंग मैट्रेस, और वो मुझे लग रहा था कि उसमें एक दो स्प्रिंग उसके निकल चुके हैं अंदर से, तो वो मुझे फील हो रहा था। लेकिन मैं इस बार चाह रही थी कि मैं सिर्फ फोम ही लूँ, स्प्रिंग ना लूँ, तो इस वजह से मैं फिर ये लेने आई थी। लेकिन इनकी कीमत सुननी तो कीमत बहुत ज़्यादा महंगी थी, जेल वाले थे वो तकरीबन जो है वो 50 तक दे रहे थे, और सिंपल वाले हैं वो आपको वो दे रहे थे हमें 30 तक, 35 तक, 40 तक, इस तरह की है। फिर उसका ये है कि उनकी जो है जो मतलब इंचिस का भी था कि इतने इंच का इतने का है, इतने इंचिस का इतने का है। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए थे वो लेने, और फातिमा ने इस दुकान का सिर्फ हमें देखते दुखते इस दुकान का हशर नशर कर दिया था। उनके सारे जो रनर पड़े थे बेड पे वो ख़राब कर दिए थे, उन बेचारों के जो कुशन पड़े थे उनकी बर्बादी की हुई थी, और बस फिर वो मैंने बहुत बार इसे रोका है लेकिन ये देखिए मेरा ना नया मैट्रेस मैंने ले लिया है। काफ़ी अरसे से मैं इसके लिए जुगाड़ कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ और लेना पड़ जाता था और मैं मैट्रेस नहीं ले पा रही थी, तो अभी फाइनली जी मैट्रेस ये वाला ले आई हूँ। अच्छी क्वालिटी का है, मास्टर का है, मल्टी फोम का है, अच्छा है। मैंने स्प्रिंग वाला नहीं लिया, मैंने ओनली फोम वाला लिया क्योंकि स्प्रिंग वाला मेरा ऑलरेडी भी है तो वो थोड़ा सा ना ये जो मेरा था ना मैट्रेस, टीवी की आवाज़ कम करो, ये मेरा मैट्रेस ना थोड़ा इस साइड से भी निकला हुआ है, थोड़ा इस साइड से भी निकला हुआ है, तो इस वजह से फिर मैंने ये लिया है। ये देखिए तो अब ये मुकम्मल हो जाएगा, और इसका ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने कहा है इसका ये शॉपर उतार दो।
फाइनल जी मेरा बेड हो गया है कंप्लीट और इस पे मैट्रेस मैंने रख दिया है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल पूरा था, थोड़ा सा बस मुझे लग रहा था बड़ा पता नहीं या शायद बिल्कुल पूरा था, लेकिन ठीक है पूरा था। अभी इसको चेंज करते हुए अजीब सा ऐसे गंद सा हो गया इतना इतना ज़्यादा कि हालांकि कमरा में बिल्कुल साफ़ करके गई थी, मुझे पता था मैट्रेस लाना है तो इस वजह से कमरा में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके गई थी, लेकिन जैसे ही मैट्रेस चेंज किए इसके शॉपर वगैरह उतारे हैं लगता है कि दोबारा से सारा वही गंद फैल गया। अभी मैं सारा कमरा कर लूँगी साफ़, इसको दोबारा मैं कर लूँगी, झाड़ू दे दूँगी और उसके बाद जो है मैट्रेस के फिर मैं इसकी बेड का बेड शीट चेंज कर दूँगी और आपसे फिर शेयर करूँगी कि अब आप मुझे बताइएगा कि अब मेरा बेड कंप्लीट हुआ है, अच्छा लग रहा है या नहीं। अभी हम मियाँ बीवी कर रहे हैं इसकी बेड शीट चेंज। मेरी हस्बैंड माशाल्लाह से मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरे हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम जो भी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं मैं हर बात उनसे शेयर करती हूँ, वो भी हर बात में से शेयर करते हैं और हर चीज़ में हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, मैंने भी उनका बहुत साथ दिया है और फिर लाजमत बात है उन्होंने भी मेरा होता तो मियाँ बीवी के साथ से ही है सब कुछ, हम एक दूसरे के साथ से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी जो है मेरा मैट बेड हो गया है कम्प्लीट। आज इस तरह थकी हुई हूँ क्योंकि आज थोड़ा दिन बाहर फिरती रही हूँ और मैट्रेस के चक्करों में दुकानों भी गई हूँ तो काफ़ी सारी शॉप्स पे गई हूँ, बस अच्छा फिर मुझे यही वाला मैट्रेस लग गया, मैं ले आई हूँ। अब ये मैंने आपको दिखाया है, अब मेरा बेड कंप्लीट हो गया है। काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे कि सिस्टर मैट्रेस ले लें आपके और बेड का जो है ना वो नीचे वाले कवर वो उतार दें, तो मैं इसी इंतज़ार में थी कि कब मुझे ना मेरा बजट इजाज़त दे और मैं अपना मैट्रेस ले के आऊँ। तो आज फाइनली मैं अपना मैट्रेस ले आई हूँ, मेरा बेड अब कंप्लीट हो गया है। अभी शाम का टाइम है क्योंकि हमें सुबह घर से घर के काम कंप्लीट करके मैं निकली थी, उसके बाद आते मैट्रेस आते इसका सारा काम करते मुझे शाम हो गई थी। शाम में शुक्र है आज मौसम बहुत अच्छा हो गया था, अजीब सी ठंडी सी हवा चलने लग गई थी, बादल आ गए थे, बारिश तो खैर नहीं बरसी थी लेकिन ये है कि हवा ठंडी हो गई थी। और मेरा जो सुबह का ऑर्डर था कि करेले गोश्त बनाने हैं, गोश्त मैं चूल्हे पे रख के गई थी हल्की आंच पे, वो अब आई हूँ तो तकरीबन गल चुका था और करेले मैं साथ में ले के आई थी, तो करेले जो है मैंने फटाफट से फिर उन्हें छील लिया और गोश्त में जो पानी था उसे भी रख दिया ताकि वो भी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, इसे भून लूँ और इतनी देर में मैंने करेले छील लिए थे और करेलों को मैं अब अलग से कर लूँगी फ्राई। हमारा शाम का खाना हो गया था कंप्लीट। वैसे तो मैं दिन में एक बार बनाती हूँ, सुबह नाश्ता बनाती हूँ फिर दिन में बना लेती हूँ और शाम में फिर हम दो ही जने होते हैं तो बस वही खा लेते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो जाहिर बात है फिर जब वो घर पे हैं तो तीन टाइम खाना बनता है, दोपहर भी बनता है, सुबह भी बनता है और शाम में भी बनता है। और अभी जो है गोश्त मेरा गल चुका था, करेले में डाल के इनको अच्छे से भून लूँगी, साथ में मैं डाल दूँगी इसके एक दो प्याज वो छील के डाल दूँगी क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं, इससे एक तो करेले मीठे बनते हैं और मज़े के बनते हैं, कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अभी जी सारे काम कंप्लीट करके और मैं बनाऊँगी इसके बाद खाने के बाद चाय बनाऊँगी और फिर जी बस रेस्ट होगा और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलूँगी और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।